हे पीप, कैमन आछो तुमरा। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई हॉर्न्स मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर एजा ने, एंड ये जो हिल्स के एक सेम नेम के नोबेल पे बेस्ड है। हॉर्न्स के मुख्य पात्र में हमारे चाहते हैरी पॉटर भाई साहब यानी कि डैनियल रैडक्लिफ है, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स द्वारा भी बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स मिले थे। सो आज आगे इन दिस वीडियो मैं आपको हॉर्न्स मूवी की स्टोरी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू से समथिंग कि कल ही हम लोगों ने अपने चैनल में 35 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, जिसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बट आई वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, जिससे हमारी फैमिली और ग्रो हो एंड मुझे वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोगों को अच्छा एक्सप्लेनेशन। खैर, सो फॉर नाउ वक्त को ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक पेरिश नाम के लड़के को देख पाते हैं, जहां रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड मैरिन का रेप और मर्डर हो गया था, एंड सभी लोगों को यही लग रहा था कि ये काम एक का ही है। एक जहां भी जाता है उसके पीछे मीडिया रिपोर्टर्स वाले पड़ जाते थे एंड उससे उल्टे फुलटे सवाल पूछने लगते, जहां एक सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए यही कहता कि उसने मैरिन को नहीं मारा, वो भला उसे क्यों मारेगा, वो तो उससे बेहद प्यार करता था। आगे हम ये भी देखते हैं कि इक के मॉम डैड को भी इक पे शक था कि शायद इक ने ही नशे में ये सब काम किया होगा, और इसलिए ही वो इक को हर हाल में बचाना चाहते थे, जो इक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, एंड ही फील्स बैड कॉज वो सच में निर्दोष था। इन सब चीजों से इग जो कि घर के बाहर अपसेट होकर बैठा था, उधर उसका बड़ा भाई टेरी आता है एंड वो कहता है कि कोई तुम पे भरोसा करे या ना करे, बट आई ट्रस्ट यू, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, जिसे सुन इग को थोड़ा अच्छा फील होता है। नाउ अब इनके एक बचपन का फ्रेंड और इग का बेस्ट फ्रेंड ली उधर आता है, जो कि एक लॉयर था एंड इग का केस भी संभाल रहा था। वो बताता है कि मैरिन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जिस लैब में थी, वो लैब पिछले रात ही समहाउ पूरी जल गई, जिसमें मैरिन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी जल गई, एंड नाउ इक को बेकसूर साबित करने वाला एंड असली गुनेगार का पता लगाने वाला सबसे बड़ा सबूत भी इक के हाथों से जा चुका था। खैर, नाउ अगर रात को मैरिन के डैड, उनके फैमिली रिलेटिव्स एंड उनके सभी दोस्त मैरिन के लिए कैंडल्स जलाकर उसके लिए प्रेयर्स मांगते हुए उसे श्रद्धांजलि देते हैं, एंड इधर मैरिन के डैड जो पहले इक को अपना बेटा मानते थे, वो अब उसे कर्स करने लगते हैं, क्योंकि सभी की तरह उन्हें भी यही लगता था कि इग ने ही मैरिन का रेप और मर्डर किया है। वेल, नाउ ये सारी चीजें इग ऊपर ट्री हाउस में बैठकर देख और सुन रहा होता है, जिसे सुन उसे बेहद ज्यादा दुख होता है, एंड जो कि उसने बेहद शराब पी रखी थी, तो वो वहां से सबके जाने के बाद नीचे आता है एंड गुस्से एंड फ्रस्ट्रेशन में आकर वो वहां मैरिन के लिए जलाए गए कैंडल्स पर टॉयलेट कर देता है एंड गॉड्स को उल्टा सीधा कहने लगता है, क्योंकि उन्होंने उससे उसका प्यार छीना था। खैर, नाउ इग ये सब कर ही रहा होता है कि तभी उधर उसकी बचपन की एक फ्रेंड ग्लेना आती है, एंड जो कि इग बेहद नशे में था, ग्लेना उसे अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग इग की नींद ग्लेना के घर में टूटती है, एंड वो आईने में खुद को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सर पे सडनली कहीं से दो सिंह उग चुके थे, जो बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। एक तुरंत ही ग्लेना को वो सिंह दिखाता है, बट सरप्राइजिंगली इतनी अजीब चीज देखने के बाद भी ग्लेना ऐसा रिएक्ट करती है कि मानो ये बहुत ही आम बात हो, और तो और ग्लेना सडनली इक को अपने सारी पर्सनल सीक्रेट्स बातें बताने लगती है, जो उसने शायद कभी किसी को नहीं बताई होगी। इक को ग्लेना के ये सडन बर्ताव बड़ा ही अजीब लगता है, एंड वो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए अपने सिंगों को हटवाने एक डॉक्टर के क्लिनिक चला जाता है। एक क्लिनिक में जाकर वहां के रिसेप्शनिस्ट को अपने सिंहों के बारे में बताता है, बट यहाँ भी सरप्राइजिंगली रिसेप्शनिस्ट भी उन सिंहों को देखकर ऐसा बिहेव करती है मानो कि ये बहुत नॉर्मल बात हो। उल्टा रिसेप्शनिस्ट इक को ये बोलती है कि वहां जो बच्ची लड़की बहुत देर से चिल्ला रही है, जिसके वजह से सभी को बेड डिस्टर्ब हो रहा होगा, सो आप कहे तो मैं उसके और उसकी मॉम को यहाँ से निकाल बाहर बैठा दूं। जिस पे इक भी हाँ बोलता है, एंड वो रिसेप्शनिस्ट उस बच्ची की मॉम को गाली देते हुए वहां से बाहर जाने को बोलती है, जहां इन दोनों के बीच काइंड ऑफ हाथापाई शुरू हो जाती है। तो इक उस बच्ची की मॉम को रोकने के लिए उनका हाथ पकड़ता है, तो सडनली उसको एक विजन आता है, जहां वो देख पाता है कि ये औरत एक अच्छी
अच्छी माँ नहीं थी और अपने बच्चे से ज्यादा ये गैर मर्दों के साथ अपना ज्यादा वक्त बिताती थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी इतनी बदमाश और बिगड़ गई थी। आगे एक को वो बच्ची लड़की भी सडनली अपना सीक्रेट शेयर करते हुए कहती है कि वो अपने मॉम को बहुत हेट करती है एंड वो उन्हें उनके बेड पे सोते हुए जला देना चाहती है। खैर नाउ यहाँ क्या चल रहा था, एक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड वो डॉक्टर से मिलने कैबिन के अंदर चला जाता है। एक डॉक्टर को अपने सिंगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है एंड वो बोलता है कि एट एनी हाउ उसे ये सिंग हटवाने हैं। बट अगेन यहाँ डॉक्टर भी ऐसा बिहेव करते हैं कि मानो इंसानों को सिंग उगना बहुत ही आम बात है, और तो और ये डॉक्टर भी इक के साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर करने लगता है। नाउ इन सब चीजों के वजह से इक अब गुस्से में आकर डॉक्टर को बिना कुछ कहे बस उसके सिंगों को काटने के लिए बोलता है, जहां डॉक्टर भी उसकी बात मानते हुए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसके सिंगों को काटने में लग जाता है। नाउ इग जो कि बेहोश था, उसे अब अपने बचपन की कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, जहां हम ये देख पाते हैं कि इग कैसे मैरियन से मिला एंड कैसे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदली। इग एंड मैरियन एक दूसरे को बचपन से ही बेहद ज्यादा पसंद करते थे एंड ये दोनों अपना ज्यादातर वक्त एक ट्री हाउस में बिताते थे, जहां ये लोग हर रोज मिला करते थे एंड इन लोगों ने शादी के बाद अपने खुद के बच्चों का नाम तक डिसाइड कर लिया था, और तो और इनके रिश्ते को इनकी फैमिलीज भी बहुत ज्यादा पसंद करती थी। खैर नाउ फ्लैशबैक खत्म होकर अब इक को होश आता है एंड वो देखता है कि उसके सिंग अभी तक कटे ही नहीं है एंड वो डॉक्टर्स उन सिंगों को काट नहीं पाया बोलकर वो उधर अपने नर्स के साथ मेटिंग करने लग जाता है। दरअसल दोस्तों पिछली रात जब इग ने मैरिन के लिए जलाए हुए कैंडल्स पे टॉयलेट किया एंड गॉड को उल्टा सीधा बोला, तो गॉड ने उसे कर्ज दे दिया जिससे वो एक डेविल बन गया, एक ऐसा डेविल जिसके सामने कोई भी अपनी मन की बात छुपा नहीं सकता और अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर देता है एंड इग जिसको भी छुएगा वो उसके किए गए सारे सीन्स को भी देख पाएगा, और तो और इग की इन पावर्स की वजह से इग अब जिसको जो भी कहेगा वो वही करेगा। खैर इग अब क्लिनिक से निकल अपने बेस्ट फ्रेंड एंड लॉयर ली से मिलने जाता है, जहां सरप्राइजिंगली ली को उसके सिंग दिखते ही नहीं है एंड इग को यहाँ ये लगता है कि ये सिंग एंड उसकी शक्तियां शायद अच्छे इंसानों के सामने काम नहीं करती है। नाउ इसके बाद इग अपने घर जाता है, जहां उसकी मॉम अपनी मन की बात बताते हुए ये कहती है कि काश तुम मेरे बेटे ही ना होते एंड प्लीज तुम लौट कर कभी घर वापस नहीं आना एंड ये सुन इग बेहद ज्यादा सैड हो जाता है। इग उस घर से निकलने से पहले एक आखिरी बार अपने डैड से भी मिलता है, जहां एज यूजुअल उसके डैड भी एक सीक्रेट रिवील करते हुए ये कहते हैं कि मैरिन के पोस्टमार्टम वाले लैब में उन्होंने ही आग लगवाई थी, कॉज वो इग को बचाना चाहते थे क्योंकि ही बिलीव्स कि इग ने ही मैरिन का रेप और मर्डर किया था। नाउ ये सुन इग और ज्यादा टूट जाता है, कॉज वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही इग को बेकसूर साबित कर सकती थी, बट उसके डैड के गलतफहमी की वजह से वो अहम सबूत भी अब खत्म हो चुका था। वेल नाउ इग फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने घर से निकल एक पब में चला जाता है, जहां अगेन कई सारे मीडिया रिपोर्टर्स वाले फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं एंड जो कि अब इग के शक्तियों के वजह से वो अब जिसे जो भी कहेगा वो वही सुनेगा, इसलिए इग उन सबको ये बोलता है कि तुम सब में से वही मेरा इंटरव्यू लेगा जो तुम सब में से बेस्ट होगा एंड इग के ये कहते ही वो सारे रिपोर्टर्स आपस में मारपीट करने लगते हैं कि उनमें से कौन बेस्ट है, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए इग वहां से पब के अंदर चला जाता है। पब के अंदर जाते ही एज यूजुअल सभी लोग इग के सामने अपना अपना सीक्रेट रिवील करने लगते हैं, जहां इग सबसे जोर से चिल्लाते हुए ये पूछता है कि किसी को भी क्या मैरिम के मर्डर केस के बारे में कुछ पता है, तो तब उधर एक बंदा कहता है कि मेरा एक कजन ब्रदर पुलिस में है जिससे उसे ये पता चला है कि किसी वेट्रेस ने इग के खिलाफ गवाही दी थी कि जिस रात मैरिन के साथ वो हादसा हुआ था उस रात उसने इग को मैरिन को जबरदस्ती खींचते हुए कार में बैठाते हुए देखा था। नाउ इग ये सब सुनते ही तुरंत ही उस वेट्रेस से मिलने निकल जाता है, जहां रास्ते में उसे उस रात के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। यहां हम देखते हैं कि इग उस दिन रात को मैरिन के साथ एक डिनर डेट प्लान करता है, जहां वो फाइनली उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, बट उस रात को प्रपोज करने से पहले मैरिन जो कि इग से बेइंतहा मोहब्बत करती थी वो सरप्राइजिंगली इग से ब्रेकअप कर लेती है एंड ये कहती है कि वो अब इग से प्यार नहीं करती बल्कि किसी और को चाहने लगी है, सो इट्स बेटर कि इग उसे भूल जाए। इग ये सब सुन बिल्कुल शॉक हो जाता है एंड वो रोते रोते अकेले ही उस रेस्टोरेंट से चला जाता है, जहां अगले दिन सुबह उसे पुलिस आके ये बताती है कि मैरिन का किसी ने रेप और मर्डर कर दिया है एंड इग वाज द प्राइम सस्पेक्ट।
खैर, नाव यहाँ सीन वापस से प्रेजेंट में आती है। एनिग उस वेट्रेस से मिलता है, जहाँ वो वेट्रेस भी इक के सामने सच्चाई बोलने लगती है। वो वेट्रेस बोलती है कि उसने पुलिस के सामने झूठी गवाही दी थी सिर्फ इसलिए ताकि उसका नाम मीडिया एंड टीवी में आ सके एंड वो फेमस हो जाए। इग उसे कहता है कि तुम्हारी झूठी गवाही देने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस रात मेरे भाई टेरी ने मुझे रेस्टोरेंट से अकेले जाते हुए देखा था, सो वो अब मेरे लिए गवाही देगा। और ये बोलकर वो अपने भाई टेरी से मिलने चला जाता है। नाउ इग जब टेरी से जाकर मिलता है तो टेरी भी इग को देखते हुए कंट्रोल नहीं कर पाता एंड अपना सीक्रेट रिवील करते हुए ये कहता है कि उस रात जब इग रेस्टोरेंट से चला गया था तो उसके बाद टेरी मैरिन को घर छोड़ने गया था। बट टेरी जो कि बहुत नशे में था, वो मैरिन से बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से मैरिन आधे रास्ते में ही जंगल की तरफ उतर कर चली जाती है एंड टेरी जो कि बहुत नशे में था वो गाड़ी में ही सो जाता है। बट सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके कपड़ों में खून के निशान लगे हुए थे एंड उसके हाथ में एक खून से लथपथ पत्थर। टेरी तुरंत ही जंगल की तरफ जाता है जहाँ रात में मैरिन गई थी एंड वो देखता है कि ट्री हाउस के नीचे ही मैरिन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। टेरी ये सब देख बेहद डर जाता है एंड पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए वो वहाँ से भाग जाता है एंड उस पत्थर एंड कपड़े को समुंदर में फेंक देता है ताकि कोई उस पर शक ना करे। खैर, नाउ ये सारा नजारा इग टेरी को छूकर देख लेता है एंड उसे ये लगता है कि उसके खुद के भाई टेरी ने ही उसकी गर्लफ्रेंड मैरिन को मारा है, इसलिए वो गुस्से में आकर टेरी को बहुत मारने लगता है। बट तभी उधर पुलिस आ जाती है एंड इग को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग ली जाकर इग को जेल से छुड़ा लेता है एंड बातों बातों में इग को ली के गले में एक क्रॉस का लॉकेट दिखता है जो और किसी का नहीं बल्कि मैरिन का था। यहाँ ली बताता है कि वो और मैरिन एक दूसरे को चाहने लगे थे एंड मैरिन ने ही उसे ये लॉकेट दी थी और इसीलिए ही उस रात इग के प्रपोज करने से पहले मैरिन ने इग से ब्रेकअप कर लिया था। नाउ ये सब सुनने के बाद इग अब अंदर से बिल्कुल टूट जाता है एंड वो वहाँ से निकलकर एक पुराने खंडर जैसे जगह पे चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने सिंगों को तोड़ने की बेहद कोशिश करता है बट वो सिंग तस के मस नहीं होते। उल्टा अब इग के आसपास कई सारे स्नेक्स चले आते हैं एंड वो इग के बदन में चढ़ने लगते हैं। यहाँ अब इग जो कि एक डेविल था सो अब स्नेक्स भी उसकी बात सुनने लगते हैं एंड उसकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाते हैं। नाउ इसके बाद पहले तो इग उस वेट्रेस को अपने स्नेक्स द्वारा कटवा के मरवा देता है एंड उसके बाद नेक्स्ट वो अपने भाई टेरी से मिलने जाता है, जहां टेरी ऑलरेडी गिल्ट में आकर वैरायटीज ऑफ ड्रग्स कंज्यूम कर रहा था एंड इग जो कि टेरी को ही मैरिन का खूनी समझता था वो टेरी को अब वहां रखे सारे ड्रग्स को एक साथ खाने को बोलता है एंड जो कि इग के पावर की वजह से कोई उसकी बात मना नहीं कर सकता था, इसलिए टेरी वहां रखे सारे ड्रग्स को एक साथ खा लेता है जिससे उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो लगभग मरने के कगार में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग ली इग को समझाने के लिए फिर से उससे मिलता है बट इग जो कि बेहद गुस्से में था वो ली के साथ हाथापाई करने लगता है एंड इसी हाथापाई के बीच ली के गले से मैरिन का वो क्रॉस लॉकेट टूट जाता है एंड सरप्राइजिंगली नाउ ली को भी अब इग के सिंग दिखने लगते हैं, जहाँ इग अब ये समझ पाता है कि इतने वक्त से मैरिन के लॉकेट ने ही उसे प्रोटेक्ट कर रखा था। इग फिर से गुस्से में ली का गला पकड़ता है, जहाँ इग के पावर्स की वजह से वो ली के किए गए सारे सीन्स को देख पाता है। इग देखता है कि मैरिन ने ली को उस दिन बताया था कि वो इग से ब्रेकअप करने वाली है बट ब्रेकअप की वजह उसने नहीं बताई थी। उसके बाद रात को इग के रेस्टोरेंट से जाने के बाद जब टेरी मैरिन को ड्रॉप करने जाता है तो ली भी उन्हें फॉलो करता है। वो देखता है कि टेरी नशे में गाड़ी में सो चुका है एंड मैरिन जंगल की तरफ गई है, जहाँ ली भी जंगल में मैरिन के पास जाता है। मैरिन के पास जाकर ली उसको किस करने की कोशिश करता है कॉज ली बचपन से ही मैरिन को बेहद पसंद करता था एंड जब मैरिन ने उसे इग से ब्रेकअप करने की बात बताई तो ली को लगा कि मैरिन ऐसा ली के लिए कर रही है एंड वो भी उसे पसंद करती है। यहाँ मैरिन ली को समझाने की कोशिश करती है कि वो ली को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है, नथिंग एल्स, एंड वो प्यार मरते दम तक इग से ही करेगी, सो इग से ब्रेकअप का रीजन कुछ और ही है। बट ली मैरिन की एक भी नहीं सुनता एंड जबरदस्ती उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने लगता है। मैरिन ली को जब बहुत रोकने की कोशिश करती है तो ली गुस्से में आकर मैरिन के सर पे एक पत्थर मार देता है जिससे मैरिन की स्पॉट में ही डेथ हो जाती है। नाउ ये सब देखकर इग बिल्कुल शॉक हो जाता है एंड अंदर से बहुत टूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। और तभी ली एक मोटे से चेन से इग को मार मार के बहुत जख्मी कर देता है एंड उसे बताता है कि मैरिन को मारने के बाद वो खून से लथपथ पत्थर उसी ने टेरी के हाथ पे रखा था ताकि सारा शक उसी पे जाए। खैर, नाउ ली जख्मी इग को कार में बैठाकर उसमें आग लगा देता है, जहां इग आग से खुद को बचाने के लिए रिवर में कार समेत कूद जाता है, जहां कार एंड इग दोनों ही पानी में डूब जाते हैं।
वेल नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम देखते हैं कि इक का बड़ा भाई टेरी अभी भी जिंदा है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट है जहां उसके माँ बाप भी है। एंड ये तीनों टीवी में एक न्यूज देखते हैं जिसमें ये बताया जा रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड का खूनी इक पैरिश अपने कार के साथ समुद्र में डूब के मारा गया है, जिसे सुन इक के पेरेंट्स और उसका भाई टेरी सब बेहद रोते हैं। बट वही दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि इक अभी भी जिंदा है और उसका शरीर बुरी तरह से आधा जल चुका है। इक उसी हालत में मैरिन के फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि असली खूनी कौन है। इक अब मैरिन का क्रॉस लॉकेट पहनता है, जिसे सरप्राइजिंगली इक बिल्कुल नॉर्मल रूप में आ जाता है और उसके दोनों सिंग भी गायब हो जाते हैं। नाव पूरी तरीके से नॉर्मल होने के बाद इक अब उस ट्री हाउस में जाता है जहां वो और मैरिन वक्त बिताया करते थे। इक को वहां ढूंढने पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें मैरिन ने लिखा था कि जब तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब तक शायद मैं जिंदा ना रहूं क्योंकि मुझे कैंसर है, जैसा मेरी मॉम को था। और उनके जाने के बाद मेरे डैड को कितनी तकलीफ हुई थी ये सिर्फ मुझे ही पता है। सो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी वही दर्द हो। एंड यहाँ अब हम समझ पाते हैं कि उस दिन रात को मैरिन जंगल के अंदर इस ट्री हाउस में ये लेटर रखने आई थी एंड उसने आखिर क्यों इक से ब्रेकअप किया था। यहाँ सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाते हैं। नाउ आगे इग अब अपने भाई टेरी से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बेहद खुश होते हैं एंड एक दूसरे को सॉरी भी बोलते हैं। इग यह टेरी को बोलता है कि ली ने मैरिन का मर्डर किया था, जिसे अब वो सजा देगा, जिस पर टेरी भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। खैर नाउ इग अब ली से मिलने जाता है एंड यह हमें और एक चीज पता चलती है कि लोग जब भी इग के सामने अपना सिन कन्फेस करते हैं तो वो चीज वो बाद में भूल जाते हैं। एंड जस्ट लाइक सेम ली को भी यहाँ पिछले दिन वाली कोई भी बात याद नहीं थी। इग ली के साथ वॉक करते करते उसे उस ट्री हाउस तक लेके आता है जहाँ पे ली ने मैरिन को मारा था। इग यह ली को बोलता है कि मुझे सब पता है कि तुम ही ने मैरिन को मारा था, सो इट्स बेटर कि तुम अब अपना जुर्म कन्फेस कर लो। और ली देखता है कि उधर एक पुलिस ऑफिसर एरिक एंड इक का भाई टेरी भी है। ली इधर फिर से बच के भागने के लिए उन सबसे हाथापाई शुरू कर देता है, जिसमें टेरी के पाँव में गोली लग जाती है और उस ऑफिसर एरिक के सर के चीथड़े उड़ जाते हैं। नाउ इन सारी चीजों को देख अब इक के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो मैरिन का क्रॉस लॉकेट दोबारा से उतार देता है, जिससे वो इस बार एक फुल फॉर्म डेविल में तब्दील हो जाता है। ली इक पे गन से कई सारी गोलियां चलाता है, बट इक गुस्से में आकर ली के पेट में अपना सिंह घुसा देता है और उसके बाद इक के डेविल साहब ली के पेट के अंदर घुस जाते हैं। एंड फाइनली मैरिन को जस्टिस मिलता है और ली की मौत हो जाती है। बट इन द एंड इग जिसे ली ने काफी सारी गोलियां मारी थी उसके डेविल वाले रूप में, इसलिए वो धीरे धीरे मरने लगता है। इग चाहता तो मैरिन की लॉकेट पहन के अपने नॉर्मल रूप में वापस आ जाता और उसे कुछ नहीं होता, बट इग जानबूझकर वो लॉकेट दोबारा नहीं पहनता है एंड धीरे धीरे वो उसे डेविल के रूप में मिट्टी बन जाता है एंड उसकी मौत हो जाती है। बट मरने के बाद हेवन में वो अपने प्यार मैरिन से फिर से मिल पाता है एंड मूवी इसी इमोशनल नोट पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल एंड मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना मात्रा नहीं पाप लगाएगी। सो नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।